अरे बस बस बस, अरे बस बस बस, अरे हम करवा दूंगा, हमको नहीं बचाना, करवा दूंगा। कहाँ बोल रहा, बकवास क्या कर रहा तू? तुमसे बात कर रहे हैं हम, तुमसे बात, हम मार रहे हैं ना, भाग रहे हैं यहाँ से हम। राप्ती सागर एक्सप्रेस मगर मानना पड़ेगा, बरौनी से पूरा फूल आ रहा है। गजब बदमाशी यार तुम लोगों का। अरे भाई भाई उतरने दो यार, आपका कीजिएगा, आपका कीजिए, बकवास मत कीजिए, तुम करिए बकवास मत कीजिए, खून के गर्मी मत देखे ना, खून के गर्मी मत देखे, इतना बेसी बोल रहा है। जय हिंद। बिहार के बरौनी जंक्शन से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आज हम रेल यात्रा करेंगे भैया, बिहार के बरौनी और केरल के त्रिवेंद्रम के बीच चलने वाली 12521 राप्ती सागर एक्सप्रेस में, जो केवल सोमवार को रात 10:50 पर चलती है बरौनी से और त्रिवेंद्रम पहुंचती है बृहस्पतिवार को सुबह 11:30 बजे। काफ़ी लंबी दूरी की ट्रेन है, इसलिए केवल आज के रात की ओवरनाइट जर्नी करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा लगेगा, हम सफ़र करेंगे इस गाड़ी के स्लीपर क्लास में। फिलहाल बरौनी के 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है कोलकाता आजमगढ़ एक्सप्रेस, जो कि हाजीपुर छपड़ा बलिया मऊ के रास्ते कल सुबह 6 बजे पहुँचेगी भैया आजमगढ़। गाड़ी में भीड़ काफ़ी खचाखच भरी हुई है, देख लीजिए। ईद का समय है इसलिए भीड़ आपको फिलहाल मिलेगी ही मिलेगी, पूरा गाड़ी एकदम लोगों से खचाखच भरी हुई है भैया। अरे बस बस बस, अरे बस बस बस, अरे जैसा बाबा बाबर भाई क्या बाबा, अरे बाबा लेडीज के साथ कर रहा है, लेडीज के साथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेडीज है ना, अगर नहीं रहेगा तो तुम जमीन के मारेगा, लेडीज के साथ मारेगा, बेमतलब का झगड़ा कर रहा है, बेमतलब। अरे काहे आप लोग फालतू लड़ाई कर रहे हैं बिना मतलब का, जर्नल कौन से इतना होता है। अरे अरे थोड़ा सा सामान के ऊपर बैठ गया तो क्या दिक्कत है आपको, ऐसे आप लोग कर रहे हैं ना, पता नहीं है तो फिर दोबारा बैठ गया ना, हो गया हो गया, बात खत्म करिए, उनका बलिया बात हम सब पर्वे को खाए गए, दोनों पर्वे में लड़ाई। देखिए ट्रेन में भीड़ तो है, क्या कीजिएगा, पूरा गाड़ी भरल है। ये झूठ मूड का भैया झगड़ा हो रहा था। दरअसल हुआ ये कि वो जो बाबा जी थे वो जसीडी से आ रहे थे खड़े खड़े और बरौनी में आकर थोड़ा सा किसी दूसरे के सामान के ऊपर बैठ गए थे, और आपको पता ही है ट्रेन में सफ़र करने वाले हर एक पैसेंजर का सामान जो है वो कांच का होता है। बस इसी में बातों का पतंगर शुरू हो गया और पतंगर होते होते बात जो है वो हाथापाई पे आ गई। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कि जनरल क्लास में सफ़र कर रहे हैं और एटीट्यूड भैया फर्स्ट एसी वाला रखते हैं। गाड़ी में इतनी भीड़ है, ऊपर से गर्मी भी है, तो थोड़ा सा तो गर्मा गर्मी होगा ही। प्राइस यहाँ 15 रुपया है और ये भाई साहब जो है 20 रुपये में बेच रहे हैं। जीवन धारा हर जगह इसका है। क्या बोल रहा भाई, क्या बोल रहा, बकवास क्या कर रहा तू? तुमसे बात कर रहे हैं हम, तुमसे बात, हम मार रहे हैं ना, भाग रहे हैं यहाँ से हम। तुम बकवास कौन सी कर रहा है, गर्मी क्या दिखा रहा है, मेरा गाड़ी अभी रात में है, देख रहे हैं। एक तो भाई साहब 15 पानी 20 में बेच रहे, ऊपर से गर्मी, ना बाहर के नहीं है हम, जो गर्मी दिखा रहा है। हमको तो इसमें
बीस वाला भी आता है तो हम ठंडा करके बेचेगा तो हम 20 देने तैयार है। हम तुमसे नॉर्मल मांगे है ना। अरे भाई तुम्हारा बकवास कर रही फालतू में। तो भैया बरौनी के प्लेटफॉर्म में देखिए अपने रमजान भाई जी मिले हैं। कहाँ से आ रहे हो आप? कोलकाता से। अच्छा इसी कोलकाता आजमगढ़ से। हाँ। आजमगढ़ जा रहे हो? शाहपुर पटोरी जा रहे हैं। और काफ़ी अच्छा लगा भाई आपसे मिलके। और अभी अभी आपने देखा ही बरौनी के प्लेटफॉर्म पर भी ये पानी वाला स्कैम चल रहा है। अगर आप नॉर्मल पानी भी लीजिएगा ना तो ही भाई आपको 20 रुपये देने होंगे। और अगर आप 15 रुपये बोलते हैं तो वो मतलब गुस्सा दिखाएंगे। सिर्फ बोलिए कि भैया 15 प्रिंट है बस। देखिए स्टॉल वालों का गुस्सा, इतना गुस्सा दिखाएंगे ना। अगर नहीं बोलिएगा ना तो ये लोग ऐसे ही आपको लूटते रहेंगे। कहो भैया महाराज। भाई रमजान भाई ईद मुबारक भाईजान। ईद मुबारक। और आप सभी को भी ईद मुबारक। बाकी भाई जी जो हैं वो कोलकाता आजमगढ़ से ही जा रहे हैं पटोरी ना हो। रमजान भाई बाय बाय भाईजान। निकल चुकी है भैया ये गाड़ी आजमगढ़ के लिए। बाकी अपनी राप्ती सागर देखिए कितने नंबर प्लेटफॉर्म पे लगाई जाती है। फिलहाल तो उस गाड़ी का अभी कोई आता पता नहीं है किस प्लेटफॉर्म पे आएगी। लीजिए फिलहाल हमारी ट्रेन राप्ती सागर एक्सप्रेस लगाई जा रही है भैया बरौनी जंक्शन के 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे। और जनरल कोच में चढ़ने वालों की भीड़ आप देख सकते हैं। देख लीजिए अभी गेट खुला भी नहीं है लोगों को। अरे बाप रे भाई ट्रेन तो रुकने दे यार। बहुत सारे लोग पहले से ही अंदर घुसे हुए हैं। बहुत सारे लोग भैया पहले से ही अंदर जाकर सीट लूट लिए हैं। देख लीजिए पहले से बहुत सारे लोग अंदर से आ रहे हैं। अरे भाई अरे रे 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 आराम से आराम से। अगर आपको जनरल कोच में भैया सीट लेनी है तो बहुत ही मुशक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आराम से भाई आराम से आराम से। अब ट्रेन रुके हुए अभी मिनटों भी नहीं हुए हैं अब पूरी भैया जनरल कंपार्टमेंट भर गई है। बाप सीट 6 हो भैया सीट 6 हो सीट 6। देख लीजिए अंदर का खिचड़ी पड़ रहा है। बाकी आइए इस कोच में आते हैं। इस कोच में लाइट है। वाह भाई देख लीजिए राप्ती सागर एक्सप्रेस का जनरल कोच पूरा पैक हो चुका है। जैसे ही ट्रेन रुकी प्लेटफॉर्म पे भैया पूरा जनरल कोच पैक। एक मिनट भी नहीं हुए कि पूरा हर एक सीट जो है वो भर चुका है। देख रहे हैं हर कोई जगह छिपा हुआ है किसी को बैठने नहीं देंगे। बाप रे बाप। बाकी इस ओर देख लीजिए इस ओर महाभारत भी शुरू हो चुका है सीटों के लिए। क्या हुआ हो भैया कथी ला जला छा महाराज सब जा है ना। बाप रे बाप ऊपर नीचे सब जगह भैया फुल हो चुका है कहीं भी जगह नहीं बैठने के लिए। अब पता चल रहा है इस राप्ती सागर एक्सप्रेस में स्लीपर में सीट क्यों नहीं मिलता है। भैया स्लीपर का छोड़िए अगर आप बरौनी से भी इस गाड़ी को पकड़ते हैं ना फिर भी आपको जनरल कंपार्टमेंट में सीट मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सॉरी ये ट्रेन केरल का त्रिवेंद्रम नहीं जाती है केरल का अरनाकुलम जाती है। बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। बाकी हम सफर कर रहे हैं इस गाड़ी के स्लीपर कोच में। मेरा S6 कोच में 9 नंबर यानी लोअर बर्थ सीट है। पूरा ट्रेन में बैगनी कलर का पोस्टर मारा हुआ है। हमारा कोच जो है वो जस्ट पेंट्री के बगल वाला है S6 कोच। बाकी ट्रेन के अंदर देख लीजिए साफ सफाई कुछ खास नहीं है। और कुछ ऐसा है भैया इस राप्ती सागर एक्सप्रेस का स्लीपर कोच का इंटीरियर। मेरा 9 नंबर सीट है 9 नंबर यानी लोअर बर्थ ये वाला। 9, 10, 11 जो है ना आपका वेटिंग लिस्ट है। 9, 10, 11 वेटिंग लिस्ट है। कोच नंबर या सीट नंबर नहीं है ये। आप इसमें जो है ना एक बार PNR नंबर डाल के चेक कर लीजिए आपका कौन सा कोच पड़ा और कौन सा सीट नंबर है। हम चेक कर दें जस्ट बगल वाले कोच में S5 में 15, 15, 23 तीन आदमी में 2 सीट मिला है चेन्नई। बहुत सारे जो पैसेंजर हैं जिनको जानकारी नहीं है वो लोग वेटिंग लिस्ट 1, 2, 3, 4, 5 जो नंबर होते हैं ना इनको सीट नंबर समझ लेते हैं। तो थोड़ा सा चेक कर लिया कीजिए आप लोग PNR नंबर देखकर आप लोग चेक कर लिया कीजिए भैया। वैसे अगर आप लोग बरौनी से इस राप्ती सागर एक्सप्रेस की यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं जनरल कोच में तो याद रखिएगा जनरल कोच ज़्यादा पीछे की ओर है और आगे केवल एक जनरल कोच है। बाकी काफ़ी लंबी दूरी की ट्रेन है लगभग 3434 किलोमीटर की दूरी तय करती है लगभग 61 घंटे में वो भी अगर राइट टाइम रही तो। वैसे इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी काफ़ी पुअर है ज़्यादातर ये ट्रेन लेट ही रहती है।
चलिए भैया एकदम ऑन टाइम रात 10:51 पे हमारी राप्ती सागर निकल चुकी है बरौनी जंक्शन से। इस गाड़ी का जनरल कोच तो यहीं पूरा फुल हो गया है, लेकिन स्लीपर कोच खाली है। स्लीपर कोच हो सकता है आगे जाकर भरे हाजीपुर, छपरा, सिवान या गोरखपुर में, तो भैया ये पूरा ट्रेन जो है वो पैक हो जाएगी। वैसे इस तरफ लगी है बलिया एक्सप्रेस, यालदा बलिया एक्सप्रेस लगी है बरौनी के 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे। देख लीजिए अभी अभी ये ट्रेन बरौनी से चली है और साफ सफाई का क्या कंडीशन है भैया, देख लीजिए आप पूरा पानी जमा हुआ है और ट्रेन में कितनी साफ सफाई हुई है आप यहाँ देख ही रहे हैं। यहाँ देख लीजिए लाल सागर। काफ़ी लंबी दूरी की ट्रेन है ये राप्ती सागर एक्सप्रेस, इसलिए मन कर रहा है इस गाड़ी में फुल जर्नी करने का। वैसे इस गाड़ी में इन टू इन टिकट जल्दी मिलती तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे अरनाकुलम से बरौनी तक फुल जर्नी करने का बहुत जल्द, वो भी इस महीने में या फिर अगले महीने के फर्स्ट वीक में। ट्रेन अच्छी खासी चल रही थी, लगता है किसी ने चेन पुलिंग कर दिया है। लीजिए भैया यहाँ से हुआ चेन पुल बंद हो गया। चेन पुलिंग का जंजीर देखिए ये वाला है, ये लाल वाला। बहुत बार तो पैसेंजर जानबूझकर ट्रेन को चेन पुलिंग करती है, लेकिन कभी कभी पैसेंजर की गलती से भी चेन पुल हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि पैसेंजर के लास्ट से इस लाल वाले में टच होता है और गलती से चेन पुल हो जाती है। इस लाल वाले जंजीर में लात ना मारें। भैया ये हम पहुंच चुके हैं अपनी राप्ती सागर एक्सप्रेस की पहली स्टॉप जो कि है समस्तीपुर जंक्शन। यहाँ हमारी गाड़ी का 5 मिनट का स्टॉप है और यहाँ भी आप भीड़ देख ही रहे हैं। समस्तीपुर में भैया इस गाड़ी का मार्केट बना है। उतरने दे रे भाई, उतरने दे। अरे बाप रे, लगता है ये सभी वेटिंग वाले हैं जो कि स्लीपर में चढ़ रहे हैं। देख लीजिए बहुत सारे जो हैं वेटिंग वाले अब स्लीपर कोच में चढ़ना शुरू कर दिए हैं। अच्छा इस राप्ती सागर में क्या है कि आपको बरौनी से गोरखपुर तक आसानी से टिकट मिल जाएगा, करंट में भी टिकट मिल जाएगा, लेकिन केवल गोरखपुर तक, गोरखपुर के बाद नहीं। भाई नीचे वाली सीट मेरा है, 9 नंबर। ए अम्मा ये यहाँ सोएंगे हम। वो बेचने वाले हैं। नहीं, तब सही है, बैठिए कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों कितना नंबर है? दो बचले है कंफर्म होने, अभी कंफर्म हुआ कहाँ? एक भी सीट कंफर्म नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। कहाँ तो जाना है? ये तिरुपुर। तिरुपुर तो जाओगे भाई, चेन्नई से भी आगे। एक भी टिकट कंफर्म नहीं हुआ। चक्कर भाई पैसा गिरा, ऊपर वाला भाई आपका पैसा गिरा? पैसा गिर रहा है, किधर गया? अंदर चल गया। चलिए भैया हमारी राप्ती सागर एक्सप्रेस समस्तीपुर से निकल चुकी है और आपने देखा समस्तीपुर में बहुत सारे पैसेंजर जो हैं इस ट्रेन में बोर्ड हुए हैं। ज़्यादातर पैसेंजर WL वाले हैं जिन्हें काफ़ी लंबी दूरी तय करना है। देखिए कैसे भैया हैं, इनके साथ फीमेल पैसेंजर भी हैं। देखिए कैसे ये लोग, इन लोगों का बेड़ा पार लगता है। ये जैसे स्लीपर कोच है ना, तो इसमें आप जनरल टिकट लेकर नहीं बैठ सकते हैं और ये गाड़ी भी सुपर फास्ट है, आपका टिकट एक्सप्रेस का है, तो इसलिए टीडी साहब ने कहा कि आप इसमें नहीं जा सकते। तो भैया ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है मुजफ्फरपुर और यहाँ भी देख लीजिए बहुत सारी जनसंख्या यहाँ भी खड़ी है इस गाड़ी में ऑनबोर्ड होने के लिए। और फिलहाल उस ओर लगी है अमृतसर जयनगर। भाई रे ट्रेन रुकने दे यार, ट्रेन रुकने दे। अरे भाई उतरने के भाई, उतरने दो भाई पहले, उतरने दो। अरे भाई पहले उतरने दो यार, उतरा ना भाई। अबे उतर, गजब बदमाशी यार तुम लोगों का। अरे भाई पहले उतरने दो यार, ऐसा जानवर जरा बताइए। अरे भाई पहले, गजब है। अच्छा आप लोगों को लगता हो कि ये लोग जो है प्रॉपर टिकट लेकर सफर कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़्यादा आधा से ज़्यादा भैया सभी वेटिंग लिस्ट वाले या फिर फाइन वाले हैं। टाइम देख लीजिए,
एक बजने में बस 11 मिनट बचे हुए हैं। मुजफ्फरपुर में भैया आप सभी का स्वागत है। बाकी जितने भी समस्तीपुर में भी जितने भी सारे पैसेंजर इस गाड़ी में बोर्ड हुए थे ना महाराज, आधा से ज़्यादा वेटिंग लिस्ट वाले और कितनों का तो टिकट भी नहीं था, सभी फाइन मरवा के इस गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं। ये गाड़ी कुछ ऐसी है, बस लोग आते हैं चढ़ जाते हैं, फाइन वाइन सभी टीडी से लगवाते हैं। बहुत सारे पैसेंजर आ रहे हैं, जहाँ जगह मिल रहा है, जो भी गेट खाली मिल रहा है, सभी भैया चढ़ जा रहे हैं, किसी के पास टिकट नहीं है। जर्नल पूरा पैक हो चुका है, इसलिए लोग जो हैं अब स्लीपर में भरना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि भैया जाना सभी को है। इसलिए इस राप्ती सागर एक्सप्रेस का भैया स्लीपर कोच जो है वो जनरल कोच बन चुका है। मुझे लगा गोरखपुर से बनेगा, लेकिन समस्तीपुर से ही इसका कंडीशन जो है वो ख़राब होना शुरू हो चुका है। आप देख ही रहे हैं बहुत सारे जनरल वाले पैसेंजर जो हैं वो अब स्लीपर में घुसना चालू कर दिए, क्योंकि जनरल में अब सह नहीं है। जनरल कोच तो भैया बरौनी में ही पूरा फुल हो गया था। मुझे लगा स्लीपर टिकट है, सीट भी कन्फर्म है, आराम से जाएंगे, लेकिन यहाँ तो मेरा सीट ऑक्यूपाइड हो चुका है समस्तीपुर में ही। देखिए मैं तो जाऊंगा वीडियो बनाते बनाते, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोचिए कैसा कंडीशन रहता है इस राप्ती सागर एक्सप्रेस का स्लीपर कोच। जिन लोगों का कंफर्म सीट भी है ना, वो भी भैया सही से सो नहीं पाएंगे, जैसा फिलहाल इस गाड़ी का हाल चल रहा है। देख लीजिए कुछ ऐसा है राप्ती सागर एक्सप्रेस का स्लीपर कोच का कंडीशन, महाराज पूरा पैक हो गया गाड़ी। चलिए भैया हमारी राप्ती सागर निकल चुकी है, शाही लीची के नाम से प्रसिद्ध शहर मुजफ्फरपुर से। बाकी अब ये रुकेगी हाजीपुर, जो कि जाना जाता है अपने पीला वाला चिनिया केले के लिए। ना भैया आप कहाँ जा रहे हैं? मैं भी जा रहा हूँ हाजीपुर। आप हाजीपुर जा रहे हैं? पूरा वॉशरूम जो है वो जाम हो चुका है। उधर बाबूआ, अरे फरमा मीटर आए छना सा करना चाहिए ना, डर ले भैया अरे सच में नहीं है मेरे पास, समझते कैश नहीं है, कैश नहीं है, फोन पे बदतमीजी ज्यादा मत कीजिए। आपका कीजिएगा, आपका कीजिएगा, बकवास मत कीजिए, बकवास मत कीजिए, खून के गर्मी मत देखा ना, खून के गर्मी मत देखा। कहल इतना बेसी बोल रहा है, आगे बढ़िए ना, मतलब मांगिए। आपका ट्रेन है? हाँ है, तो है रात को 2 बजे यहाँ चढ़ गया ताली मार, आगे बढ़िए। और रात 2:30 बजे भी ये लोग पहुँच जाते हैं पैसा मांगने के लिए, अगर आप नहीं दीजिएगा तो फिर वही दादा परदादा पूरा खानदान में गाली सुनिए, गंदी गंदी गाली सुनिए, मतलब इन लोगों का देखिए कितना मन बढ़ा हुआ। अरे बाप रे बाप, पूरा भागम भाग, पूरा भागम भाग मच गया है। जनरल कोच कंपार्टमेंट का भैया महाराज कंडीशन जो है वो बरौनी से ही खराब आ रहा है, गोरखपुर में और खराब हो गया। देख लीजिए भैया कुछ ऐसा कंडीशन है जनरल कोच का, बाप रे बाप। राप्ती सागर एक्सप्रेस मगर मानना पड़ेगा बरौनी से पूरा फुल आ रहा है जनरल कोच। ज़्यादातर लेबर मजदूर जो है इस गाड़ी से ट्रैवल करते हैं, और जनरल कोच कम होने के कारण कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस राप्ती सागर में, आप देख ही रहे हैं, बाप रे बाप। बाकी गोरखपुर हमारी राप्ती सागर एक्सप्रेस पहुंची है सुबह 7:45, 6:25 का टाइम था, मगर ट्रेन राइट टाइम ही चल रही थी, बस गोरखपुर कैंट में से काफ़ी देर रोक दिया गया। बाकी कंडीशन तो आप देख ही लिए हैं गाड़ी का। ये थी भैया बरौनी एर्नाकुलम राप्ती सागर एक्सप्रेस की एक छोटी सी ट्रेन जर्नी बरौनी से गोरखपुर तक का। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी ट्रेन जर्नी आपको अच्छा लगा होगा, बहुत जल्द फुल जर्नी भी करेंगे एर्नाकुलम से बरौनी तक। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट ट्रेन जर्नी के साथ। तब तक के लिए गोरखपुर से आप सभी को जय हिंद। बाकी स्लीपर का भी कंडीशन बहुत ही बुरा है, स्लीपर कौन बार खाली है।